यहाँ कुएं में मीठा पानी नहीं AK-47 मिलती है। नदी के भीतर मछलियां नहीं AK-47 है। नालों में पानी से ज्यादा बारूद भरा हुआ है। बिहार के मुंगेर में अब अवैध कट्टे नहीं AK-47 मिलते हैं। कुएं के भीतर गोताखोर मछलियां नहीं मार रहे हैं, बारूद खोज रहे हैं। नाले के भीतर गोताखोर तलाश रहे हैं AK-47 का जखीरा। अब तक 20 AK-47 मुंगेर में बरामद किए जा चुके हैं और पुलिस के मुताबिक 40-50 और AK-47 जो कि जबलपुर के सेना के डिपो से चुरा कर यहाँ बेचे गए थे वो बरामद करने हैं पुलिस के, और उसी की कोशिश यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं गंगा नदी के लगे इस नाले में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, SDRF की टीम लगी हुई है। सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिस मुंगेर की चर्चा हथियारों की फैक्ट्री और अवैध असलहों की भरमार के लिए होती थी, उस मुंगेर में अब AK-47 बिकती है। उस मुंगेर में अब AK-47 के व्यापारी बसते हैं। वो नक्सलियों को AK-47 उपलब्ध कराते हैं, वो आतंकियों तक पहुंचाते हैं AK-47। और इस बात की तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। देखिए ये AK-47 के पार्ट्स जिन्हें जोड़कर बनाई जानी थी AK-47 और पहुंचाई जानी थी आतंकियों तक। ये पूरा माजरा क्या है, बहुत तफसील से सुनिए। तारीख 29 अगस्त 2018, ये वो तारीख थी जब पहली बार 3 AK-47 के साथ मुंगेर के जमालपुर में इमरान नाम का आदमी पकड़ा गया था। पुलिस को शक हुआ कि ये AK-47 वही हैं जो मध्य प्रदेश के जबलपुर हथियार फैक्ट्री से गायब हुई थी। पड़ताल आगे बढ़ी तो आमना खातून नाम की एक महिला पकड़ी गई। ये सामने आया है कि टोटल 60 से 70 हथियार लाए गए हैं पिछले 5 सालों में 6 सालों में, जिसमें से 20 हथियार हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं, काफ़ी पार्ट पुर्जे बरामद हुए हैं, और 40 से 50 हथियार हम लोग मान के चल रहे हैं कि कहीं या तो छिपा के रखे गए हैं, कुछ हथियार क्रिमिनल्स को नक्सलियों को सप्लाई किए गए हैं। तो अब देखते हैं, अनुसंधान में हम लोग कोशिश हमारी पूरी है कि जल्दी से जल्दी सारे हथियार बरामद किए जाएँ। पुलिस को तुरंत एहसास हो गया कि हथियारों को नक्सलियों और आतंकियों तक पहुंचाने का जबरदस्त नेक्सस चल रहा है। पुलिस ने अब तक 6 मामले दर्ज किए हैं, 6 लोगों को जेल भेजा है, 8 लोगों को रिमांड पर ले रखा है। पूछताछ जारी है, हथियारों की खोजबीन जारी है। पुलिस को शक है कि जबलपुर हथियार फैक्ट्री से गायब 50 से ज्यादा AK-47 यही खपाई गई। अब पुलिस इस पूरे मामले के मास्टर माइंड तक पहुंचने की कोशिश में है। बहुत संभव है कि आतंकियों की किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो। सुजीत झा, मुंगेर, आज तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।